गल करते करते मैंने हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो नए व्लॉग में। तो दोस्तों नन्नू जब से हमारे पास आया है, नन्नू हर रोज मुझे ये कहता है दीदी मैं बहुत अच्छी चाय बना लेता हूँ, मैं बहुत अच्छी चाय बना लेता हूँ। तो मैंने कहा कि आज हम नन्नू के हाथ की चाय पी ही लेते हैं, देखते हैं नन्नू कैसी चाय बनाएगा। रेडी है नन्नू? रेडी हूँ। आती है चाय बनाने? आती है। कैसे बनाते हैं बता, फिर कैसे बनाते हैं? चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, पानी चाहिए, पहले काली चाय बनाना, फिर थोड़ी देर उबालने के बाद दूध डालना है और अदरक काली चाय में पहले डालना पड़ता है। ठीक है, चलो। ये क्या हो रहा है? मेरी हाइट नहीं पहुंचती। कहाँ पे हाइट नहीं पहुंचती? ये देखो, इधर देखने के लिए हाइट नहीं पहुंचती। अच्छा जुगाड़ देख लो, इसको इतना पता मैं सीढ़ी ये लगाऊंगा मेरी हाइट पहुंचेगी। फिर इधर से वो रख के ग्लास भी निकालना सकते है ना। अच्छा तो ये है पतीली, किसको? इसको। इसको बाद में ले लेना, दे दो उधर रख लो ना, इसको यहाँ रख लो। चलो क्या नन्नू क्या करें? कितना पानी डाला है? दो कप डालना है। दो कप पानी डालना है? हाँ। कितनी चाय बना रहा है? दो जनों के लिए। दो जनों के लिए दो कप पानी डाल देगा? हाँ। तो दूध कितना डालेगा फिर? टनन टनन टनन। अब फिर सीढ़ी वो उठा के लाएगा पीढ़ी। वाह नाइस। नहीं ठंड है कि हाथ ही ठंडे पर गए? हाथ ही ठंडे पर गए। फिर तुम भी पी लेना थोड़ी चाय। मैंने नहीं पी। अच्छा अब पीढ़ी नहीं चाहिए तुम्हें यहाँ हाथ पहुंचाने के लिए? चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? फिर क्या कर रहा है? देखो समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है। अब ये क्या डालने लगे हो? चाय पत्ती। अच्छा ठीक है, पूरी डूबी गई। तो ये दो कप पानी डाला है तुमने? हाँ जी। अब इसमें कितनी चाय पत्ती डालोगे? इसमें कितनी चाय पत्ती? एक। बस एक चम्मच? पक्का? कम तो नहीं हो जाएगी? हैं? एक चम्मच ही डाल के भी। अच्छा उधर एक चल डाल के मम्मी ने एक चम्मच ही डाल के। बेटा वो कप के हिसाब से डालते हैं ना। वो चीनी ही है? चीनी नहीं है। चीनी है। इधर देखो क्या है अंदर। वो चीनी ही है, वो देखो गुड़ के साथ चीनी है। चीनी निकालने वाली है, निकाल के दूं चीनी? हाँ जी। नहीं काफी है? काफी है। कितने चम्मच चीनी डालनी है? ये चीनी, ये एक, दो और ये तीन। चलो बाकी सब ठीक है। नन्नू तूने पानी बहुत ले लिया, अब इतनी चाय वेस्ट करेगा ना दादी से मार खाएगा। चाय वेस्ट नहीं होती, मैं भी पी लूंगा। पर अच्छी भी बननी चाहिए ना। अब ला मैं निकाल के दे देती हूँ। ये मैंने दूध का पतीला निकाल दिया है बाहर और इधर नन्नू पीसने लगा है अदरक। अच्छा जोर लगा के हईशा, जोर लगा के हईशा। वाह नन्नू तू तो बड़ा एक्सपर्ट बन रहा है, हैं? जैसे रोज चाय तू ही बनाता हो घर पे वहां। मैं ही बनाता हूँ।
सुबह नहीं शाम को। और अब ये डाला जा रहा है अदरक। सारा डाल देना था? सारा डाल देना, थोड़ा ही था वो। नन्नू हाथ सेक रहा है भाप पे। नन्नू की चाय उबल रही है, इधर से आ रही है। और नन्नू हाथ सेक रहा है। चाय करे इतनी ठंडी है। चाय बनाने वाली तुम्हारे से। अब नन्नू कर रहा है इसकी गैस कम। चाय को पकाया जा रहा है, पकाया जा रहा है। टनन टनन टनन। नन्नू गाना सुना दे। नहीं सुना दे, उस दिन भी तो सुनाया था तूने। ठीक है। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। दोस्तों नन्नू को भी वायरल कर दो, जाने मेरी जाने मन गाना। ये बिल्कुल एज इट इज गाता है जैसे वो गाता था। अब नन्नू लेने लगा है दूध। ध्यान से, आज मैं पहली बार बना रहा हूँ चाय। हाँ इधर पहली बार बना रहा है ना। दूध ज्यादा हो गया बेटा। हाँ। पानी ज्यादा डाला आपने। दूध दो कप चाय में दो कप ही पानी डाल दिया। एक आधा डाला फिर। एक आधा डाला। ये डाला चाय में दूध और चाय बन गई है सफेद, क्योंकि नन्नू ने चाय पत्ती कम डाली थी ना। हाँ अब दे, ये तो दूध लग रहा है, ये चाय तो लग ही नहीं रही। दूध लग रहा है और क्या, तो फिर और डाल देते हैं। हे भगवान, अब तो ये कच्ची रह जाएगी अब तो ना। बताऊं दादी को? दादी देख रही है पीछे से। देख नहीं रही दादी, दादी तो अंदर है, पीछे से ऐसे करके देख रही है। मैं देख के आती हूँ, देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। अगर मम्मी देख रही है टीवी और कर रही है बुनाई। मम्मी क्या लगता है आपको, नन्नू कैसी चाय बनाएगा? पता नहीं, अच्छी बनाएगा, पहली बार देखते हैं कैसी बनाता है। देखो देख के ही पता लगेगा, देख के ही पता लगेगा। वैसे आपको क्या लगता है, नन्नू के टैलेंट पे भरोसा है आपको? अच्छी चाय होगी, कैसी चाय होगी? वैसे तो अच्छी होनी चाहिए, पहली बार बना रहा, देखते हैं। नहीं भी अच्छी होगी तो हम अच्छी बोलेंगे और पी भी लेंगे ना, नहीं तो दोबारा अच्छी बोलेंगे, क्योंकि नहीं तो दोबारा बना के नहीं देगा जब पीनी होगी। नहीं अच्छी बनाएगा वो जिस दिन से आया उसी दिन से कह रहा है कि मैं चाय बना के दूंगा, मैं चाय बनानी आती है मुझे, मैं चाय पिलाऊंगा, मैं चाय पिलाऊंगा। तो आज फिर हम फाइनली चाय पार्टी कर रहे हैं। इधर नोबिता उदास बैठा है चीजों का की याद में, पूछ देखो नहीं नोबिता की, ये देखो हिल रही। आए है आए है आए है। अरे तुम यहाँ आ गए, चलो चाय बनाओ भाई। झूठ मत तो बोलना, सच्ची सच्ची बोलना। चल चल हाँ चलो चलो, तुम अच्छी बनाओ फिर हम अच्छी बोलेंगे। अच्छी नहीं हुई तू? फिर अच्छी नहीं बोलेंगे। अब नन्नू ने इसमें और पत्ती डाल दी है और चाय पकाई जा रही है। चाय के साथ झटका लग गया। कौन सा झटका लग गया तेको? जोर का झटका लगा अपने हाथ से, अपने हाथ को ही झटका लग गया। चाय का पता नहीं क्या बन रहा है। पता नहीं। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। नन्नू चाय बनने की वेट कर रहा है। दोस्तों अचानक से मम्मी को जाना पड़ गया, हमारे घर के सामने जो ऋषभ और रहते हैं उनकी दादी की तबीयत एकदम से बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो मम्मी अभी भागे भागे वहां ही गए हुए हैं, तो मम्मी अभी घर पे है नहीं। और नन्नू चाय बना रहा है।
सॉरी दोस्तों, ये व्लॉग मैंने शुरू किया था नन्नू की चाय से, लेकिन मैं उस व्लॉग को कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि रात को मैंने क्लिप में ही बताया था कि रिशु की जो दादी है वो किसी उनको कुछ हो गया है और मम्मी वहाँ गए हैं, तो अचानक से मुझे भी कॉल आ गया और दादी की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी, तो मुझे दादी को लेके हॉस्पिटल जाना पड़ा क्योंकि वो लोग अकेले थे, उनके पास कोई कन्वेंस नहीं थी। और पूरी रात हम इसी भगदड़ में घूमते रहे हॉस्पिटल में, कभी कहीं कभी कहीं इमरजेंसी में उनको लेके गए, तो इसी सब चीज़ों में मैं नन्नू की चाय और वो सब चीज़ें हम भूल ही गए और हम उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाए। पूरी रात हम वहीं पे ही थे। रात को मैं मिडनाइट में वापस आई हूँ, जब रिशु के पापा वापस आए हैं, वो आर्मी में हैं। तो अभी दादी की कंडीशन, अभी भी डॉक्टर यही कह रहा है कि वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है और उनके दिमाग की नस फट चुकी है, तो बहुत ज़्यादा सीरियस है दादी। इसी पूरी भगदड़ में मैं व्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाई, तो अब मेरी तरफ से वेरी 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 सॉरी। मैं नेक्स्ट टाइम पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको अपडेट पूरा प्रॉपर देती रहूँ। मैं आज का ये व्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आप सब लोग दुआ करना कि दादी जल्दी ठीक हो जाए और सही सलामत घर पर वापस आ जाए। थैंक यू सो मच।